62 के वार से पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट व्यू पेंगोंग का हो वो हम डे में देख लें। लुक एट दिस पार्ट ऑफ माउंटेन, बहुत रिस्की एरिया है, बहुत खराब रोड है वो। उसका 40% पार्ट इंडिया में है, 50% पार्ट चाइना में है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। अभी हम लोग हैं दिस्कित में और हम लोग रुके थे यहाँ पर सोनम गेस्ट हाउस में। ये मेन रोड पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और मेन रोड पे ये था, तो यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे। रात को हम लोग गए थे मॉनेस्ट्री और मॉनेस्ट्री घूमने के बाद आगे हुंडर भी है जहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं, बट हम जा रहे हैं आज यहाँ से पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक है यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एज पर गूगल मैप 6 आवर्स लगेंगे, बट हम लोगों को उससे ज़्यादा लगेगा क्योंकि ब्रेक लेते हुए जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि आज रास्ते में करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, एक्चुअली ड्रोन में प्रॉब्लम आ गई थी। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे रोड पे। होटल से निकलने के बाद मैं थोड़ा सा बैग जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। मैं सोच रहा हूँ एक मार्केट का राउंड ले लूँ और राउंड लेने के बाद फिर हम वापस जाएंगे गेस्ट हाउस होते हुए मॉनेस्ट्री होते हुए। मॉनेस्ट्री की तरफ से आज का अपना डेस्टिनेशन रहेगा पेंगोंग लेक का। यहाँ पे एक ये गेट है बहुत अच्छा। कल रात को डिनर भी हम लोगों ने यहीं पे किया था। नॉर्थ इंडियन टाइप का तो कुछ भी नहीं मिला, बस मोमोज मिले, फ्राइड राइस और यही सब मिल रहा था यहाँ पे। वही सब खाया भी फिर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। ये है टी पॉइंट, यहाँ से एक रोड इधर की तरफ जा रही, इधर भी पूरा मार्केट है और एक रोड जिधर से हम आ रहे हैं उधर जा रही। ये जा रही मॉनेस्ट्री होते हुए पेंगोंग के लिए। शॉप पे सामान खरीद रहे थे तो वहाँ पे मैंने पूछा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पर क्या चेंज आया है, तो उन्होंने बताया कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है और टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि रोड, इंफ्रा, पेट्रोल पंप चीजें बढ़ने से टूरिस्ट का आना जाना ज्यादा स्मूथ हो गया है, ज्यादा उनके लिए इजी हो गया है। इसी पे आगे जाने के बाद हुंडर और तुर्तुक विलेज है। तुर्तुक विलेज आज से कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, वरना पहले वो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं था क्योंकि वो पाकिस्तान बॉर्डर से काफी क्लोज है। 62 के वॉर से पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था और ये पूरा एरिया डिस्किट है, हुंडर है, तुर्तुक है, ये सारा लेह का पार्ट है। लेह बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का। और ये है मॉनेस्ट्री पे जाने के लिए, रात में हम गए थे, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छी मॉनेस्ट्री बनी हुई है। अब यहाँ से हम जाएंगे खलसर। खलसर से दो रास्ते हैं, एक जाएगा लेह के लिए जिससे कल हम आए थे, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, और दूसरा है पेंगोंग के लिए। आज हम जाएंगे उसी रास्ते से पेंगोंग के लिए। यहाँ से खलसर है 20 किलोमीटर और यहाँ पर आप जो सैंड देख रहे हैं वो एकदम बीच टाइप की सैंड है। खलसर 18 किलोमीटर बचा हुआ है। पेंगोंग लेक टोटल 134 किलोमीटर की है, बहुत बड़ी पेंगोंग लेक है। आप ये समझ लो कि जिस तरह हम लोग लेह से खारदुंगला होते हुए इधर आए थे, इतनी लंबी पेंगोंग लेक है। उसका 40% पार्ट इंडिया में है, 50% पार्ट चाइना में है और 10% जो पार्ट है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वहाँ पे क्या बैरिकेडिंग है, क्या है, फुल कर दो, मेंटेनेंस चल रहा है रोड का। कोई दूसरा रास्ता है भाई? है कैब भाई, मैं आपको जो बता रहा था ना रोड मेंटेनेंस वाला, ये वही है। वाह, दोनों में सेम सेम है। कितना? 300 का। ये कब खुला है पेट्रोल पंप यहाँ पे? एक साल हो गया है अभी, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कल इसका बर्थडे। अच्छा, कल एक साल हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ले में भराया था, उसके बाद अभी यहाँ पे टैंक फुल करा लिया, 300 रुपीज का ही लगा बस। और ये पेट्रोल पंप यहाँ पे न्यूब्रम बन गया, एक साल पहले बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट यहाँ पर तेजी के साथ हो रहा है जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है। फिलहाल यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, कोई शायद आ रहा है, क्या है? अच्छा, ओके। सो ये यहाँ लद्दाख के सांसद हैं, पीछे थे, इनके बीच में एक बार लद्दाख की स्पीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी यूट्यूब पे। ये है लद्दाख की न्यूब्रा वैली, खूबसूरत न्यूब्रा वैली। और ये वो लोग हैं जो खारदुंगला करके, मुझे लग रहा है अब आ रहे हैं मॉर्निंग में यहाँ पे, क्योंकि अपने को भी ठीक ठाक टाइम हो गया है। ये व्यू मैं कैसे मिस कर सकता था, पानी के ऊपर जब सनलाइट पड़ रही है तो शाइन कर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। कल भी हम लोग निकले थे बट उस समय शाम हो रही थी और अब निकले दिन में,
दिन में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर देखो कितना ज्यादा इसका एरिया है, मतलब ये पूरा नीचे ऐसे ही है, किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं, किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं है। बट रोड अच्छी है तो चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर ऑफ रोडिंग होती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। और ये मिट्टी जो है ना, इसके लिए मैं बोल रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती, स्लिप करने, कभी गलती से ब्रेक लगा दो तो बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये रास्ता ये जा रहा है लेह खारदुंगला होते हुए लेह, और ये जा रहा है पेंगोंग लेक के लिए। बहुत बैड न्यूज है, 2 बजे तक के लिए रोड यहाँ पे बंद कर रखी, जो कि हमें पेट्रोल पंप पे बता रहे थे 4 बजे, वो अब पता चला है यहाँ पे 2 बजे तक के लिए बंद है। टाइम हो रहा है 11:41, यानी कि 2 घंटे अपने को यहाँ वेट करना पड़ेगा। कब तक खुलेगा भैया ये? 2 बजे तक। रोड बन रहा है क्या है? रोड बन रहा है, कोई और रास्ता नहीं है ले हो? अरे नहीं फिर तो जस्ट अपोजिट पड़ जाएगा। काम करते हैं, नाश्ता खाया भी नहीं। हम लोग आ गए खलसर, और ये वही शॉप है जहाँ पे हमने कल चाय पी थी, यानी आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। फिलहाल बाइक यहीं पे खड़ी करते हैं, चाय वाय पीते, नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर बनता है तो नीचे जाएंगे, क्योंकि बाइक लोडेड है, सामान रखा हुआ है, इसलिए ज़रूरी नहीं हम जाएं। और ये बहुत अच्छा लग रहा देखने में, वाह, अरे वाह, ये जब ऐसे जाता है तो ये जो कील लगी है वो उस घंटे को बजा रही है। कल सर आने के बाद हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था कैब भाई के लिए मैगी, जो कि अभी आ रही है, और मैंने थूपा। अगर किसी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ का लोकल एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। और इसमें नूडल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मशरूम है और पनीर है, काफ़ी अच्छा है। और जितने लोग ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग रिटर्न आए थे, सारे लोग आ रहे हैं, रिटर्न आते हुए हम लोग जितनों को बोल सकते थे कि रिटर्न चले जाओ, उतनों को रास्ते में हम लोग बोलते हुए आए थे, बट अभी भी बहुत से लोग रिटर्न आ रहे हैं। फिलहाल मैंने अभी इसको टेस्ट किया है, मुझे तो टेस्ट अच्छा लगा, टेस्टी बना है, तो पहले इसको खाते हैं, फिर अगर टाइम रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, किसी भी तरह अपने को 2 बजे तक का तो वेट करना ही है। सब निकलते हैं यहाँ से मैगी थुप्पा खाने के बाद, टाइम हो रहा 1:40 और 2 बजे वहाँ पे खुल जाएगा। महाराष्ट्र में था औरंगाबाद में 2 साल, सो कोल्हापुर पुणे के पास में, कोल्हापुर के काफी लोग थे मेरे साथ, ये वहीं की लैंग्वेज है। हाँ ना चले, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक शायद रास्ता खुल जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे श्योक, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, श्योक रिवर भी है जो हमारे पैलर में चल रही है, वो श्योक रिवर ही है। ये है वो चेक पोस्ट जहाँ से हम लोग रिटर्न गए थे, और अभी लग रहा है अलाउ कर रखा है, हाँ अभी गाड़ियाँ जा रही हैं। फाइनली हम लोग श्योक की तरफ चल दिए, पेंगोंग की तरफ चल दिए। और ये देखिए ये माउंटेन्स एकदम सैंड माउंटेन्स है, कभी हम हिल्स पे चढ़ रहे हैं, कभी हिल्स से उतर रहे हैं, कंटिन्यू यही चल रहा है, पहाड़ों से उतरते हुए कंटिन्यू ब्रेक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे क्या होता है ब्रेक हीट हो जाती है, उससे ब्रेक फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, बहुत छोटी सी थी, थोड़ा सा पानी शूज में गया, ठंडा ठंडा लग रहा है, मैं तो सोच रहा था पूरी तरह से वाटर प्रूफ होंगे, बट ऐसा नहीं है, नीचे नीचे ही वाटर प्रूफ है, साइड में जगह है पानी जाने की, अब नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग पे केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे बैग गिर गए थे, बैग तो कोई लेके आ गया गाड़ी वाला, हाँ वो बंदे वापस गए, वो कहाँ तक जाएंगे देखते देखते। अच्छा आपके हाँ फोन मिल जाएगा, कर लीजिए, ये लीजिए कर लीजिए, थोड़ा आगे जाके नेट ट्राई मार लेना, जहाँ पे भी मतलब रुकेंगे वही बोल दे, ठीक ठीक ओके। फोन तो दिया बट क्या नेटवर्क नहीं आ रहा था, व्यू देख रहे सामने रोड, पहले वाटर क्रॉसिंग मिली, फिर फ्लैट रोड एकदम मिली, और उसके बाद फिर नीचे गए, और उसके बाद अब ये ऊपर चढ़ने लगे। आपको हर 10 से 15 मिनट में डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और यहाँ पे अब कोई भी नहीं दिख रहा, बस हम दोनों चल रहे हैं, पूरा एकदम वायरल लैंड लग रहा है। त्यागम में, और अगम में एक कैफे बना हुआ है, बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई होटल हो या कुछ भी हो, तो आप लोग कभी भी आए बहुत केयरफुल रहें, पता चला ये सोच के आए कि हम यहाँ स्टे कर सकते हैं, बट यहाँ स्टे लायक कुछ भी नहीं, यहाँ ना होटल्स हैं ना कुछ है, एक छोटा सा कैफे बस दिखा हमें। लुक एट दिस पार्ट ऑफ माउंटेन, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पत्थर जो है बस जैसे तैसे रुके हुए हैं, जरा सा भी कुछ हुआ तो फटाफट नीचे आएंगे, बहुत रिस्की एरिया है, बहुत खराब रोड है। ऐसी रोडों पे अपनी बाइक ने बहुत सही परफॉर्म किया, किसी तरह का कोई भी इशू नहीं फेस किया है, इस पे चलने के बाद तो सच पास की याद आ गई, वहाँ तो 25-26 किलोमीटर इसी तरह के रोड पे गए थे, बहुत अच्छी स्पीड में वाटर फ्लो है। तो अभी हम लोग रुके थे श्योक पे, जहाँ पे आपको दिखाया था वहाँ से थोड़ा सा आगे आए थे, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री हो रही है, और एंट्री होने के बाद ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एंट्री करने के बाद अभी हम लोग ने देखा थोड़ा सा बाइक में यहाँ से ऑयल निकल रहा है ये, सो अभी एक दो लोगों से पूछा, कह रहे हैं कोई इशू नहीं है,
कैब भाई ने वीडियो बना लिया, नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क आएगा तो मैकेनिक है जान पहचान के, उनको भेजते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है, अगर कोई इशू लगता है तो फिर कल हम लोग खारू में चेक कराएंगे। दुर्भुग 0 किलोमीटर, काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। इंडियन फूड यहीं पे रोकते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा। एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इनकेस अगर नेटवर्क आ गए तो बढ़िया रहेगा। 2 मैगी कर दीजिए, 2 चाय। सो ये खलसर वाला रोड है, श्योक से जिधर से आए थे वो ये है, पेंगोंग जा रहा है, और कल हम पेंगोंग से जब आएंगे तो इस रूट से इधर जाएंगे। ये जा रहा है खरू होते हुए, लेह भी जा सकते हैं और मनाली भी जा सकते हैं, क्योंकि खरू सिटी पॉइंट से एक तरफ लेह है, दूसरी तरफ है मनाली। ओके चलो, आगे मनाली जाओगे? हाँ, मनाली होते हुए कल खरू, और खरू से आगे जहाँ पहुँचे तो देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मनाली। अच्छा, ओके ओके, बाय बाय। ये लोग थे फरीदाबाद से, ये लोग लेह आए थे फ्लाइट से, और उसके बाद वहाँ से रेंटेड बाइक से आए थे, बट इनकी बाइक में हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, क्लच वायर जो था वो इनका लूज हो गया है, तो चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब थोड़ा अपने को फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट व्यू पेंगोंग का हो वो हम डे में देख लें। अभी टाइम हो रहा है 5:54, और अप्रॉक्स 35 किलोमीटर है, 1 घंटा लग सकता है। अगर रोड इसी तरह की रही तब तो जल्दी पहुँचेंगे, बट ऐसा है नहीं, आगे जाके हिल्स हैं। सो फिलहाल पेंगोंग में थे, यहाँ पे कई जगह पे होटल्स पता किए, बहुत कॉस्टली है। सो बाई चांस हमको मिल गया एक रूम, संगम नाम है इसका, संगम होटल। डिस्किट में रुके थे सोनम में, यहाँ है संगम, और लेह में थे सत्यम। सो ये खड़ी अपनी दोनों बाइक, और ये है हमारा आज का आशियाना। रूम की बहुत शॉर्टेज है, जितने बाइक का लेट आ रहे हैं किसी को नहीं मिला। ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इसी तरह के सारे रूम इसी तरह के कंस्ट्रक्टेड है वुडन। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। कल हम लोग घूमेंगे पेंगोंग लेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।